महाराज नारद जी ने हिमाचल से कहा कि हे हिमाचल, ये जो तुम्हारी कन्या है ना, ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर में तो साक्षात भवानी आई है, भवानी साक्षात लक्ष्मी आई है, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा, तो हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारी बेटी का विवाह देवों के देव महादेव के साथ होगा। इसीलिए हम इनका नाम रख रहे हैं पार्वती, और बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होंगी। इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। जो नारद जी वहां से गए, उसी समय महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, नारद जी आज उस कन्या का नामकरण संस्कार करके वहां से चले गए। इधर जाने के बाद महाराज वो पार्वती जो थी वो धीरे धीरे बड़ी हुई, और जब पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई तो पार्वती को बचपन से ही भोले बाबा के नाम की रटन लग गई। और जब भोले बाबा के नाम की रटन लगी तो परीक्षित महाराज ऐसा ही नहीं, बचपन से ही भोले बाबा का भजन करने लगी, और बचपन में ही संकल्प लिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो केवल और केवल भोले बाबा के साथ में करेंगे। जो इतने महाराज संकल्प लिया पार्वती ने अपने मन में, तो एक बार पार्वती अपने पिता हिमाचल के पास पहुंची। पहुंच करके अपने पिता से कहा, बाबा हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हिमाचल बोले, कहो बेटी क्या कहना चाहती हो। पार्वती बोली, बाबा हम कहना चाहते हैं कि घर में रह करके हम भोले बाबा का भजन नहीं कर पाते, अगर तुम्हारी आज्ञा होवे तो काम वन में चले जाएं, भोले बाबा का भजन करे जा करके। तो हिमाचल जानते थे कि पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ होगा, तो हम भक्त भगवान के बीच दीवार काहे को बने। तो महाराज पार्वती से हिमाचल बोले, जाना चाहती हो तो चली जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। सो महाराज हिमाचल ने आज्ञा दे दी, पार्वती चली, चल करके जंगल में पहुंची, सुंदर सा स्थान देखा, देख करके भोले बाबा के नाम की रटन लगाई और भोले बाबा के नाम की माला जाप करने लगी। जो भोले बाबा के नाम की माला जाप करी तो ऐसा ही नहीं, ऐसी समाधि नहीं लगाई, ऐसी लगाई